नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जगपाल है और ये मेरी बेटी है। ये 5 साल की हो गई है। पिछले साल मैंने इसका एक स्कूल में एडमिशन दिलवाया था। आज हम उसी स्कूल का रिव्यू करेंगे और हम खुद इसकी जुबानी जानेंगे कि एक्चुअल में उस स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है, क्योंकि पिछले वीडियो में आप लोगों ने कमेंट करके मुझसे पूछा था कि सर 1 साल हो गए हैं, बच्ची से आप रिव्यू करवाइए प्लीज। तो बेटा आपका क्या नाम है? जानविका। जानविका, आपके पापा का क्या नाम बेटा? जगपाल और ज्योति। ज्योति मम्मी का नाम है। हाँ। बेटा आपके स्कूल का क्या नाम है? नेशनल स्कूल। और मेरे क्लास का नाम है एलकेजी सनफ्लावर। हाँ दोस्तों, दूर इंटरनेशनल स्कूल में एलकेजी सनफ्लावर है। एलकेजी इसकी पूरी हो गई, अब इसका यूकेजी में एडमिशन हो जाएगा। बेटा एलकेजी सनफ्लावर में आपकी मैम का क्या नाम है? दीदी मैम। दीदी नहीं, निधि मैम। निधि मैम, ओके। आपके जो स्कूल की बेस्ट फ्रेंड है उनका क्या नाम बेटा? काश्मीर अंशिका। ओके वेरी गुड। अच्छा बेटा, आपको स्कूल में जाना कैसा लगता है? अच्छा फॉर ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगता है। और जब स्कूल से बाहर आते हो सबको छोड़ के, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, जो आपके दोस्तों को छोड़ के, तो कैसा लगता है आपको? बहुत प्यारा। अच्छा ठीक है, ओके गुड। कुछ बोल देती दोस्तों, जब भी मैं सोचती ना, मुझे बहुत बड़ा सपना आते, पता नहीं क्यों रोज ही आते रहते, पता नहीं क्यों दोस्तों, इसको सपने आते हैं ऐसा इसका मानना है। खैर अच्छा बेटा, आप जब स्कूल में जाते हो तो आपको मैम कैसे पढ़ाती हैं? ऐसे पढ़ाती है जैसे काउंटिंग लिख रही हूँ मैं, जैसे पढ़ाई कर रही हूँ मैं, वो लिखाती मैम मुझे। ओके, जब आप स्कूल में जाते हो तो आपको कुछ एक्टिविटीज होती है, जैसे कि डांस, कुछ ऐसा होता है? हाँ? डांस भी होता है, और क्या क्या होता है बेटा? मैं डांस सुनती हूँ, म्यूजिक सुनती हूँ, और मेरे डून का नाम है डून इंटरनेशनल स्कूल। ओके बेटा, अच्छा स्केट्स वगैरह होती है कुछ? स्केटिंग करते हो आप लोग? हाँ। अच्छा स्विमिंग करते हो? स्विमिंग करवाते हो स्कूल में? नहीं, स्विमिंग नहीं होती। ओके ठीक है, स्विमिंग करती होती हूँ लेकिन नहीं होता मैम, स्विमिंग होता स्कूल में तो नहीं करवाते। अच्छा स्विमिंग होता है लेकिन आप लोगों से नहीं करवाते, शायद आप बच्चे हो ना इसलिए। अच्छा बेटा, जब बड़ा होगी ना जब ये तो आपकी ABCD हो गई, लेकिन आप वो 1, 2 ये एक बार काउंटिंग करके दिखाओ, कितना तक कर सकते हो आप? इतना A के तो कर सकते हो, तो करो ना फिर। A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस इतना ही कर सकते हो। इससे आगे बोलो ना प्लीज, आपको आता तो है 11, आप बोलते हो 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, डन। आपने 30 तक बोल दिया, ठीक है। अच्छा बेटा, आप वो जो बोलते हैं ALLE B.O. boy, ऐसा करके बोलना एक बार। I am a girl, B.O. boy, सामने देख के। A.O. girl, poem English, okay, English, हाँ, right, right, बोलो, बोलो। C.O. girl, अच्छा आपको इंग्लिश में पॉइंट्स आती है? हाँ, girl, boy, girl, boss, नहीं नहीं और इंग्लिश में पॉइंट्स बहुत सारी आती तो हैं। हाँ, इंग्लिश आती तो है, पढ़ाते हैं तो ओ भी कैरफुल लेटर आई दैट यू सी एक एक करके। अच्छा वो सारा पढ़ाते हैं। हाँ? अच्छा बेटा, आप जब स्कूल में अंदर रहते हो तो आप खाना खाते हो, आपको आप खुद खाना खाते हो मैम खाना खिलाती है? मैं खुद खाना खाती हूँ। वेरी गुड, मैम आपके पास होती है? हाँ। अच्छा बेटा, जब मैम आप सारे बच्चे खाना खा रहे होते हो तो मैम आप लोगों को देखती है कि नहीं देखती, कि बच्चे ने पूरा खाना खाया कि नहीं खाया? हाँ देखती है मैम आपको। वेरी गुड, लेकिन मैं थोड़ा सा खा देती।
हूँ। और मैंने जब मेरे एक दिन में खत्म हो गए थे ना, मेरे मैं यूकेजी में फिर एलकेजी में ही थी, और पता है मेरा निधि मैम आई थी वैसे भी, और पता है मैंने उसके सामने पूरा फिनिश कर दिया था दोस्तों। नहीं, आपने फिनिश कर दिया था, लेकिन और बच्चों ने भी फिनिश किया था। हाँ? जैसे कोई बच्चा खाना छोड़ दे तो आप मैम आपको या फिर और बच्चों को बोलते हैं कि बेटा पूरा खाना फिनिश करो, ऐसा कुछ बोलते हैं? वेरी गुड, फिर तो बहुत अच्छा स्कूल है बेटा। चलो मैं इस सोच रहा हूँ कि इस साल है ना यूकेजी में आपको एक बार फिर से DIS दून इंटरनेशनल स्कूल में रखूँ, ठीक है? क्योंकि आपकी फ्रेंड भी उसमें साथ में रहेगी। यूकेजी खत्म हो जाएगी, मैं एलकेजी में आ जाऊंगी। अरे नहीं बेटा, आपकी एलकेजी खत्म हो गई, अब आप यूकेजी में जाओगे ना। ठीक है, आपको इस साल में उस स्कूल में पढ़ाऊंगा। देखो मेरे हाथ गंदे बताने पे पार्ट आई है मंदिर से, पर मैं मंदिर से आई हूँ बस भी। अच्छा मंदिर से आए हो आप, ठीक है। अच्छा बेटा, आप दिन भर सारा दिन क्या करते हो, पढ़ाई करते हो दिन में थोड़ा बहुत? नहीं, मैं तो खेलती हूँ, लेकिन चाय दूध पीती हूँ, खाना नहीं खाती, मंदिर जाती हूँ और पार्क जाती हूँ। पहले मैं पार्क से पार्क जाती हूँ, फिर मंदिर, फिर मैं ना कहीं नहीं जाती, घर पे ही रहती हूँ। अच्छा, अब मतलब कहीं नहीं जाती, सिर्फ घर पे रहते हो, राइट? एनीवे चलो बेटा, अब आखिरी बार दोस्तों से क्या कहना चाहते हो, दोस्तों को बोलना चाहते हो कि देखिए आप सभी उस स्कूल में पढ़ाई करो, या फिर कुछ ऐसा कुछ कहना चाहते हो? नहीं तो चलो फिर दोस्तों को बाय करो। बाय दोस्तों। बाय।